स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजस्थान फार्मेसी में। आज हम करेंगे लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? जब भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिक्स के अंदर सेमिनेशन कराते हैं, उस टाइम हमें खाली कंटेनर के ऊपर लेबल करना होता है, तो उसे क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं उसको। मेरे पास है जैसे माइक्रोटेप, तो माइक्रोटेप मैं इसको लेबलिंग करने के लिए यूज़ लेता हूँ। इसके अलावा आप स्टिकर भी यूज़ ले सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जैसे ये लेबल किया हुआ है पहले से जो मेरा खाली कंटेनर है उस पर, तो इसके ये वाइट वाला जो ऊपर लेबल किया है उसको उतारेंगे। उतारने के बाद क्या करते हैं, ये जैसे कि मैंने उतार दिया। अब उतारने के बाद क्या करना है, माइक्रोटेप को इसके ऊपर राउंड शेप में लगाना है, और लगा करके जितनी लेबल किया हुआ है पहले से उसके ऊपर लगाना है। लगा करके उस पर क्या करना है, आपको कलर यूज करने हैं। कलर आप डिजाइन बना सकते हो, जैसा कि मैंने ये पहले से बोतल बना रखी है। ये देखिए मैंने आराम डिजाइन बना रखे हैं इस पर, अच्छे से दो कलर यूज कर रखे हैं, पिंक और येलो। तो अब इस पर लेबल करने के लिए हमें इस माइक्रोटेप के साथ हमें एक कैंची भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा लेबल करने के लिए हमारे पास एक मार्कर की आवश्यकता होती है, तो मैंने मार्कर ले रखा है। अब इस पर क्या करते हैं, हम लेबल करेंगे। तो लेबल कैसे करते हैं देखिए तो लेबलिंग में सबसे पहले पार्ट होता है अपना RX। RX अपने जो भी मेडिकामेंट बनाते हैं उसमें RX आपको लिखना ही होता है। ये RX लिख दिया। अब हमें क्या करने हैं, जितनी क्वांटिटी हमने बनाई है, जैसे मैंने 20 ml लिख दिया यहाँ पे, 20 ml कोई भी चीज़ मतलब बनाई है तो यहाँ पे 20 ml लिख दिया। अब क्या करना है, हमने कौन सा सॉल्यूशन बनाया है या फिर क्या चीज़ बनाई है, तो हम जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सिरप सॉल्यूशन। तो हम जैसे कि अपन सिंपल सिरप बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सिरप। ये सिंपल सिरप है वो एकदम कैपिटल वर्ड्स में यहाँ पे पूरा लिखा होना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने सिंपल सिरप लिखा है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखा है और एकदम इन दोनों के बीच में लिखा है। अब क्या करना है, अपने को इनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे RX लिखा है उसके इस साइड में यहाँ पे लिखना है अपने को इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट इसमें जैसे सिंपल सिरप में कौन कौन से यूज होते हैं वो इंग्रेडिएंट लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 ml के जस्ट पास में लिखा है इनके इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, सुक्रोज लिखा है और प्योरीफाइड वाटर लिखा है। अब क्या करना है, इनको डैश डैश लगा के एक जेम मतलब एक लाइन में लगाना है डैश डैश। और अब क्या करना है, जैसे हमने सुक्रोज कितना लिया है, हमने 33 ग्राम लिया है, 33.3 ग्राम अपन ने लिया है। अब प्योरीफाइड लिखा है, जैसे प्योरीफाइड वाटर हमने कितना लिया है उसकी मात्रा यहाँ पे लिखनी है, तो वो हमने लिया है 50 ml। 50 ml 50 ml लिया है हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया, इनकी क्वांटिटी हमने लिख दी। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे एक्सपायरी डेट MG बैच नंबर, सबसे पहले हमें को क्या लिखना है, अपना बैच नंबर। बैच नंबर और जस्ट इसके एकदम लाइन के अंदर क्या लिखना है अपने को, MGF डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस दिन अपन ने बनाई है, तो वो कैपिटल M लिखना है, स्मॉल G लिखना है और स्मॉल F लिखना है, और फिर डेट लिखनी है, और फिर क्या लिखना है, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E कैपिटल X और P, फिर डॉट लगाना है, फिर डेट लिखनी है। अब इनको भी क्या करना है, ऐसे एक लाइन में डैश लगाने हैं छोटे छोटे, और MGF डेट में जैसे कि आप किस दिन बना रहे हो। तो बैच के अंदर क्या लिखना है, बैच जैसे अपना एक नंबर बैच है, एक नंबर बैच के अंदर एक ग्रुप है, तो 1A लिख दिया। फिर क्या करें, MGF डेट, MGF डेट जैसे कि आप जिस तारीख को बना रहे हो, पहले अपने को डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। तो ईयर जैसे कि मैंने लिख दिया 2022। तो एक्सपायरी डेट क्या होती है, लगभग फार्माकोपिया के अंदर प्रत्येक केमिकल होता है ज़्यादातर उसकी 3 साल के बाद एक्सपायरी होती है। तो 2022 के बाद क्या होगी, 2025 एक्सपायरी डेट होगी उसकी। और एक्सपायरी डेट में क्या लिखना है, पूरे 3 साल बाद, यानी जो डेट है वो सेम टू सेम डेट लिखनी है, मंथ है वो सेम लिखना है, ओनली फॉर 3 ईयर का गैप रखना है उसके अंदर, वो आपकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सिंपल RX लिख दिया, सिंपल सिरप लिख दिया, ये अपनी क्वांटिटी हो गई, ये अपने इंग्रेडिएंट हो गए, इनकी क्वांटिटी अपने लिख दी, इसके साथ आपको बैच नंबर दिख गया और MGF डेट हो गई, एक्सपायरी डेट आपने लिख दी है। इसके बाद आपको क्या लिखना है,
सबमिटेड बाय, यानी किसके द्वारा आप सबमिनेशन कर रहे हों, तो जैसे कि अपने कॉलेज का नाम, जैसे कि कुछ भी नाम लिख दिया, उसके आगे अपना शहर का नाम लिखना है। फिर क्या लिखना है, अपने नाम, जिस जिसने बनाई है, जैसे तीन जनों ने बनाई है तो डैश लगा के तीनों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सबमिटेड बाय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है सबमिटेड बाय स्कीप, यानी स्कीप कॉलेज के द्वारा लिखा गया है ये, और इसमें किस किस ने लिखा है ये डैश लिखा है, तो उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम देव है तो मैं यहाँ पे देव लिख देता हूँ, आगे जिस मेरे साथ है उनका नाम यहाँ पे लिख के और सबमिनेशन करा देते हैं। इसके अंदर क्या करना है, फिर अपने को जो भी अपने बनाया है वो डाल के और सबमिनेशन कर देंगे। तो इसमें इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि उस लेबलिंग कैसे करनी है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं। जैसे आरएक्स लिख दिया, आरएक्स कंपलसरी होता है, हमने सिंपल सिरप बनाई है तो यहाँ पे नाम लिख दिया सिंपल सिरप, कितनी क्वांटिटी में बनाई है 20 ml बनाई है। सबमिटेड बाय यानी किसके द्वारा सबमिनेशन किया गया है वो जस्ट इसके नीचे लिखना होता है। फिर नेक्स्ट ऐसे घुमा करके फिर क्या करना है, यहाँ पे इनके इंग्रेडिएंट लिखते हैं। इंग्रेडिएंट जैसे सुक्रोज लिखा है, इनकी क्वांटिटी हमने 33.3 ग्राम लिख दी। उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर लिखा है, डैश डैश लगा के हमने 50 ml प्यूरिफाइड वाटर लिख दिया। फिर क्या लिखना है, बैच नंबर, बैच नंबर क्या है आपका, जैसे मेरा 1A मेरा बैच नंबर है। उसके बाद आपको MGF डेट यानी जिस दिन आपने बनाई है उसकी डेट लिखनी है, उसके 3 ईयर के बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है, तो एक्सपायरी डेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसको एक्सपायरी डेट लिख दी हमने।